Hi guys and welcome back to my channel. This is Avantika welcoming all my happy faces. एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और अच्छी सुबह है, छुट्टी का दिन है. पहले नहीं पता था लेकिन ये छुट्टी हमें आज पता चली. कल रात पता चली थी कि आज छुट्टी हो जाएगी. सो आई वॉज रियली रियली ग्लैड कि चलो वील बी एबल टू रिलैक्स अ बिट. और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है. आज सुबह इतना ज़्यादा फॉग था कि भाई इधर से इधर नहीं दिख रहा था. सो ड्राइविंग वॉज क्वाइट रिस्की तो मैंने इसलिए मॉर्निंग में कोई वीडियो बनाया नहीं. बट स्टिल हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसी आउटिंग करके आते हैं. सो आई प्रॉबली नॉट शूट दिस वन बट देन हाँ अगर और कुछ करती हूँ तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी. सो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा. इस ब्लॉग को एंड तक देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करना. आई डोंट नो ये कहाँ पर कंटिन्यू होगा, वेदर स्पाइसी रामेन वाला या फिर कुछ और. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड गोइंग ऑन तो मैं धीरे धीरे उनको प्लान करके आगे बढ़ा रही हूँ. तो आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ मैं से नाराज मत होना कि जो जो आपने बोला है मैंने अभी तक नहीं करा. मैं करूंगी स्लोली एंड स्टेडली. आई विल डू दैट. आई विल टेक सम टाइम बट आई विल डेफिनेटली डू दैट. ओके 24 आवर चैलेंज के लिए मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ रहा है बिकॉज आई नीड टू नो माई कैपेसिटी की वेदर आई विल बी एबल टू डू दैट थिंग और नॉट. तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि जो मैं कर पाऊँ. सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए. बाकी जैसा कि आप लोग बोलते हैं आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दैट थिंग इन माई व्लॉग्स. ओके सो प्लीज़ बने रहिए, ऐसे ही कॉमेंट करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद लाइक करा करिए और अपना प्यार मुझसे बना के रखिए. जितने भी नए व्यूअर्स हैं दिस इज़ अवंतिका, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. उसको सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबा देना ताकि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ओपन द यूट्यूब माई वीडियोज़ आर गोइंग टू पॉप अप. ओके तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में. देखो अर्बानिक वाला सामान सारा आ गया हमारा. एक और रह गया है जो आना है अभी. सो वो जब आ जाता है तो मैं आपको पूरा अर्बानिक हॉल दिखाऊंगी. बाकी वो मीशो हॉल का रखा हुआ है, मीशो हॉल भी दिखाना है मुझे. एंड आई एम सो कन्फ्यूज में कौन सा वाला ब्लेजर पहनूँ, ये वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ. समझ नहीं आ रहा है कौन वाला पहनूँ. तो बता दो इंकी पिंकी पोंकी बकवास है ये इंकी पिंकी पोंकी. मुझे बता देना कौन सा अच्छा लग रहा है. वैसे आपने जब तक बताएंगे तब तक पहन चुकी होंगी. ऑल राइट पीपल, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे टूडू जो हैं वो स्क्रीन के बहुत बड़े फ़ैन हैं. वो अपने रूम में तो उनके बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है. मैंने तो इंटेंशनली टीवी नहीं लगवाया बिकॉज मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं टीवी एडिक्ट. इसीलिए थोड़ा बहुत मैं सीरीज़ इस पर देख लेती हूँ और आज टूडू देख रहे हैं वेंसडे के. वो बहुत बड़े फ़ैन हैं. रहा हमारा मटन जिसका बनेगा करी और उधर चढ़ा है हमारा, इधर चढ़ा है हमारा अखनी का सामान. जैसे ही होता है हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या. मम्मी सामान डाल रही है मसाले सारे, तो ये होने के बाद आपको दिखाएंगे. ठंडा बहुत है. स्वेटर पहना कि नहीं तुमने? स्वेटर पहन लिया छोटू? आओ हीटर में चले आओ, आ हीटर में चले. बहुत ठंडा है क्या छोटू? स्लीपिंग. ये ना अभी शराफत से ऐसे बैठा है, ट्रस्ट मी इसने जो मार लगाता है ना ये हम लोगों को, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते. मैंने ये दो कवर्स लगवाए थे, एक ये वाला पॉपअप के साथ. मुझे ऐसे पॉपअप के साथ ज़्यादा इजी लगता है. एंड एक ये वाला, ये इसी फ़ोन के लिए है, ये वाले जिसे शूट कर रही हूँ ये वाला भी. ये इसमें कैट बनी हुई है. दिस वॉज एक्सपेंसिव क्योंकि ये थोड़ा सा नया सा था. एंड इसमें ये क्रिस्टल का ये लगा हुआ है स्क्वायर शेप में. एंड दिस इज़ क्यूट यार देखो. और ये वाला अभी दिखाती हूँ. ये वाला सिंपल ट्रांसपेरेंट है बट इस पर ये यूट्यूब वाला पॉपअप लगवाया है मैंने. ये डिफरेंस है. तो मैंने फ़िलहाल के तीन कवर्स ले लिए हैं एंड आई होप ये चलते रहे मेरे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यही मेरे को बेस्ट लगे अभी तक के ये बेस्ट लगे. ठंडी कितनी हो रही है यार, कितनी ज़्यादा ठंडी. तीन या चार पर टेम्परेचर चला गया. यार दिल्ली में तो इतना ज़्यादा ठंड है कि पूछो मत. और मेरे को भी ठंड लग रहा है, देखो मैंने हीटर लगाया हुआ वहाँ पे. और राइट चलो ये बातें किनारे करते हैं. अखनी पुलाव जैसे ही हो जाता है, सॉरी अखनी की तैयारी जैसे ही हो जाती है पुलाव तैयार शुरू कर देंगे हम, तैयार करना शुरू कर देंगे. और उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे. अखनी का मैंने प्रिपरेशन नहीं दिखाया है, सो अगर चाहिए हो तो मेरे को बता देना. नेल्स का ट्यूटोरियल लोग मांग रहे हैं मेरे से, कोई ने मांगा है मेरे से. तो नेल्स का ट्यूटोरियल ये कह सकती हूँ कि अभी ये लग चुके हैं ऑलरेडी,
अब इनको दोबारा निकाल के मेरे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दोबारा लगाऊंगी या अगर मैं नए नेल्स ऑर्डर करती हूँ, आई स्वेयर आई प्रॉमिस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक और बात आपसे शेयर करनी थी, आई गॉट अ न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम अ कोलीग ऑफ माइन। दिस इज़ अ डेली ब्रेड एंड ये इसका हर एक चैप्टर जो है ऑन डेली बेसिस हम पढ़ते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द बाइबल, और कोई ना कोई भी बाइबल वर्स या चैप्टर से ये रिलेटेड होता है। सो इट इज़ वेरी गुड आई मीन फॉर अस, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा दैट विल बी रिलेटेड टू समवेयर इन द बाइबल, सम चैप्टर इन द बाइबल, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी रीड द बाइबल एज वेल। सो आई विल मेक आई मेक श्योर दैट नाउ आई एम गोना हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग दिस डेली ब्रेड रेगुलरली। मैं हर दिन इसको पढ़ूँ बिकॉज इसके थ्रू आई थिंक आई विल बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग बाइबल एज वेल, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट होगी। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी अच्छी हैबिट्स डालने की जो मैं डाल सकती हूँ। आप भी कोशिश करें कि जितना हो सकता है अच्छी हैबिट्स को आप भी यू नो अडाप्ट करो, कितनी कितनी भी जो आपको लगता है कि अच्छी हैं। जैसे मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अपने यू नो डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना खाना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना मैं खा रही हूँ। बट देन यस, जो चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि जंक हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब विच हैज़ टू मच फैट, सो वो थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। जब इस खाना मैं आराम से खा रही हूँ जितना मुझे खाना चाहिए, नॉट एक्सेस में। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि मुझे लगा है कि मुझे करना है, पॉजिटिव रहना है, वट एवर सर्कमस्टांसिस कम्स इन योर लाइफ बट वन हैज़ टू बी पॉजिटिव, और मुझे पॉजिटिव रहना है ये मैंने सोचा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विच आई हैव लाइंड अप एंड यू नो मैंने यहाँ पर अपने वॉल पर लगा लिया है, जैसे मैं हमेशा देखूँ और याद करूँ कि मुझे हाँ ये चीज़ मुझे अपने दिमाग में रखनी है। नो मैटर वट एनी वन सेज, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ बिकॉज सी पीपल विल क्रिटिसाइज यू, एवरी वन इज़ गोना क्रिटिसाइज यू, बट आपको अपने अंदर फेथ नहीं छोड़ना है। यू आर द वन हु नीड्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू आर द वन हु नीड्स टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओके, सो जैसे मैंने अपने अंदर अपने लिए फेथ बिल्ड करा है, आप अपने लिए अपने अंदर फेथ बिल्ड करें। एंड रेस्ट आप जो भी मुझसे ब्लॉग्स बनाने के लिए कह रहे हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट। प्लीज़ ये मत सोचना मैंने छोड़ दिया या मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी, पर आई जस्ट नीड सम टाइम टू प्लान एवरीथिंग। अब जैसे नेल्स का आपने बोला है, आई डेफिनेटली हैव टू सी कि मेरे पास दूसरे नेल्स हो, जब ये निकालूँ दोबारा उनको कैसे लगाऊँ, आई हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डूइंग दैट। सो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, उसको देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा, और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपने न्यू ईयर में क्या क्या कमिटमेंट करा है, क्या रेजोल्यूशन लिया है इस बार, तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़रूर। ओके, आई वेट फॉर योर कमेंट्स। पे मटन जो हमारा अखनी बना था वो निकाल लिया है, और मैंने सिर्फ रिफाइंड डाला है, ज़ीरा डाला है, खड़े मसाले डाले, और ये मैंने मटन डाल दिया है, और ये रहा अखनी जो मैंने मसाले के साथ बनाया था मटन के साथ। तो ये चिकनाई पूरी हमारी अलग हो गई है, अब इसी में हम अपना चावल बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर मटन के साथ चावल मैंने पानी निकाल के इसमें डाल दिया है। हाँ सॉरी, मैंने रिफाइंड बोलता है, इसे मैंने घी, थोड़ा सा घी भी डाला है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी चिकनाई है, देखिए जमने लगा अखनी हमारा, तो इसमें हम थोड़ा सा घी कम ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, और मैंने थोड़े से कैश्यू नट्स भी इसमें डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा भून के हम इसमें अखनी ऐड कर देंगे। मैंने फ्लेम तेज़ कर दी है, अखनी ऐड कर दिया है, और ये हमारा हो रहा है अखनी पुलाव। यहाँ बन रहा है हमारा मटन ग्रेवी। हाँ, आलू भी मम्मी ने ऐड कर दिए। सो ये सब रेडी होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये रहा दही, इसका मैं बनाने जा रही हूँ रायता, और इसमें मैंने डाल दिया है क्या क्या, सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, इसमें भुना ज़ीरा डाला है, और अब इसमें बूंदी ऐड करेंगे, तो बूंदी का रायता हमारा तैयार हो जाएगा। मेरा बूंदी का रायता तैयार है, इसमें आज हम तड़का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा दोनों चीज़ें काफ़ी चिकनी है, अखनी ऑलरेडी चिकना होता है, तो इसमें हम थोड़ा तेल वेल का तड़का नहीं लगा रहे हैं या घी का तड़का नहीं लगा रहे हैं, ये हमारा सिंपल रायता तैयार है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ हो गया हमारा मटन, बहुत ही बढ़िया यार, इतना गर्म है ना, मेरे तो सच में अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है, आज तो बहुत ही स्पेशल है खाना यार। एंड ये रहे हमारे पुलाव, ऑल सेट रेडी। वाओ यार क्या खुशबू है। ये आ गया मेरा खाना, ये रहा मेरा फ़ोन, यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ अपनी सीरीज़, और
रायता एंड यार मेरे से रुका भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये मरा मटन है अखनी वाला और ये मेरा मटन है करी वाला। सो अब आई विल नॉट वेट विदाउट फर्दर अडू, आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड। और ये रहा मेरा टूरू, टूरू भी मेरे साथ बैठ के, अरे खाना खा लो मूवी देखेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कि जैसे कि आपको पहले ही बताया था, देखो धुआं निकल रहा है मुंह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्लॉग बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं क्या शूट करूंगी क्या नहीं करूंगी। कल फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी लेकिन फिर ये लगा मुझे कि हर टाइम मैं शूट करती रहती हूँ तो उनको भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो मैंने कहा कि लेट्स हैव अ गुड टाइम टुगेदर एंड विल नॉट शूट एनी थिंग। सो इसीलिए मैंने घर आने के बाद जो भी मैंने किया, जो भी मतलब कुकिंग करी या जो भी करा, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ अखनी पुलाव बनाया था, मम्मी ने मटन करी बनाया था, तो ज़्यादातर मेहनत मम्मी की थी एंड मैंने बस थोड़ा बहुत हेल्प करी थी। बट आई एम ग्लैड दैट एट दिस वीकेंड वी वर एबल टू हैव अ गुड फीस्ट विद द फैमिली टुगेदर। और ये कभी कभी ऐसा होता है तो मतलब ये मोमेंट भी बड़ा ही अच्छा लगता है व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। सो आई एम ग्लैड दैट आई हैड दिस टाइम, आई हैड दिस होल वीकेंड विद मी। एंड कल का क्या होगा, कल का भी कुछ भी अभी प्लान नहीं किया है, करेंगे और जो भी करेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए और इस फैमिली में ऐड होने के लिए। इस फैमिली में जो भी नए मेंबर्स हैं, दिस इज़ अवंतिका, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा भी आप फील करते हैं, जैसा भी आप समझते हैं, मतलब इस व्लॉग को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मैंने जो रेसिपीज़ बताई हैं, या भी नॉन वेज बताई थी, अगर वेजिटेरियन भी, आई ट्राई टू मेक समथिंग जिसको मैं ज़रूर से शेयर करूंगी आपके साथ। सो हमेशा आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। अब मैं जा रही हूँ सोने बिकॉज़ लेट हो गया है एंड थोड़ा सा टायर्ड तो हूँ मैं क्योंकि पूरा दिन घूम रही थी। मेरा हीटर ख़राब हो गया है तो ये बहुत ही बड़ा, इट्स अ बमर बट देन इट्स ओके फाइन। ठंड है, किस तरह मैनेज करेंगे। और टूरू तो है ही मेरे साथ, ये लेटा हुआ है यहाँ पे। टूरू सो मेरे और टूरू की तरफ से बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट।